तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और उससे पहले नए हो तो यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देखकर जान ही लिए होंगे आज किसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रामरेखा धाम की कुछ स्टोरी बायोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने से पहले कई सारे लोगों ने मुझे मेल किया और मैसेज भी किया इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो इसी रीजन से यह वीडियो बन पा रही है। तो चले गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, आपको सबसे पहले बता दें कि रामरेखा धाम किस लिए जाना जाता है। तो सबसे पहली बात कि राम भगवान, सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ आए थे वनवास में और कुछ पल गुजारे थे, और कहते हैं कि यहीं से रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, जो कि उनके रहने के कई सारे वस्तुएं मौजूद हैं। और रामरेखा धाम की एक चौंकाने वाली बात है कि सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर में जो गंगा है, जो कि गर्मी के मौसम में भी कभी वहाँ पर पानी नहीं सूखता, हर पल वहाँ पर भरा रहता है। और कहते हैं कि वहाँ पर एक अग्निकुंड था जिसमें से हर पल आग जलते रहता था, और कुछ समय बाद कुछ राजाओं ने वहाँ पर मांस पकाकर खाए थे, इसलिए वहाँ का आग बुझ गया और वहाँ पर अभी भी गर्मी का ताप मारता है। और रामरेखा धाम में सीता माता जहाँ पर खाना पकाती थी वो चूल्हा भी मौजूद है। रामरेखा की सबसे खास बात जो कि वहाँ का गुफा है। दोस्तों, रामरेखा की इतना बड़ा गुफा है जिसे घूमते में महीनों लग जाता है, लेकिन पब्लिक को जाना वहाँ पर मना है। और दिवाली के कुछ दिन बाद ही वहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे बाहर के स्टेट से भी आते हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, कई सारे स्टेट से आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह से ये वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ये तो रामरेखा धाम की बहुत ही जल्दी एक ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें से मैं कई सारे वहाँ की चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही नहीं है, बहुत से बहुत ही ज़्यादा और भी कई सारे खास खास जो कि शॉकिंग करने वाली वहाँ पर चीज़ हैं, जो कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही जल्दी जाऊँगा और एक ब्लॉग आएगी जिसमें से सारी डिटेल वीडियो रहेगी।